राजबब्बर जी, आपने भी राजनीति में उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता देखी और इस सबके बीच अगर हम आज मुलायम सिंह यादव और उनके योगदान को देखें तो क्या कहेंगे आप? आज दुखद दिन, एक एक युग का अंत माना जा रहा है इसे। बिल्कुल सही कह रही हैं जी आप। हकीकत है कि आज एक इस देश से एक ऐसा मजबूत जहनियत का इंसान, मजबूत सोच का इंसान गया है। बेशक लोग उसको शारीरिक पहलवान बोलते थे, लेकिन मैंने उनके साथ में काम भी किया है और मैंने उनको उस जमाने से देखा जब वो पहलवानी मथुरा से पहली बार 67 में शायद जीत कर आए थे और हम छोटे छोटे थे, उनका स्वागत किया था और उसके बाद में उनके साथ में काम करने का मौका भी मिला। और इस तरह का शख्स इसे प्रभावित किया। मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था, मैं तो अपना शूटिंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें आना चाहिए और मैं तुम राज्यसभा में आओ। तो एक ऐसा शख्स जिसने पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर किया है और वो शख्स जिसने इंस्पायर ही नहीं किया है बल्कि सोच को मजबूत करने की कोशिश की है। लोहिया गांधी की उस धारा को, उस प्रवाह को एक ऐसा शख्स चलाता रहा है और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश के अंदर उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनकी सोच को तारीफ करने वाले उनके मुरीद बहुत सारे ऐसे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि आज की तारीख के अंदर हमने मुलायम सिंह वाकई इस देश का एक नेता जी खोया है और शायद शारीरिक रूप से हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उसका विचार गांधी लोहिया और मुलायम याद रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। बिल्कुल, अगर मैं सही हूं राजबब्बर जी, तो 1996 में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से आपको अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनावों में उतारा था, वो अनुभव, क्योंकि आपको कन्विंस किया होगा, आपको ये समझाया होगा, बताया गया उस वक्त भी कि बड़े अनमने ढंग से आपने इसे स्वीकारा था, लेकिन वो जो अनुभव आपका रहा मुलायम सिंह यादव जी के साथ और उनकी सोच राजनीति में जो उनका एक विजन था उसके साथ, उस बारे में क्या बताएंगे आप? नहीं जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही कहूंगा, क्योंकि लखनऊ में उस वक्त पार्टी समाजवादी नहीं थी नंबर एक और सरकार जरूर बन गई थी, तो धीरे धीरे पांव फैला रहे थे। और दूसरा, मुझसे उन्होंने ये एक बात कही कि मैंने उनसे कहा देखिए जिस शख्स के भाषण में निक्कर पहनकर सूरजमान के फाटक आगरा में चुनने जाता था और जिनसे प्रभावित था, उनके सामने मैं चुनाव कैसे खड़ा हो सकता हूँ? पर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, उनके सामने तुम खड़े नहीं हो रहे हो अपनी बात कहने के लिए, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की तरह से तुम ये चुनाव लड़ो। मैंने कहा लो, पर उसके बाद में कुछ ऐसा इत्तेफाक आया कि जिस दिन पर्चा भरा उस दिन अटल जी मुझे सामने थे और मैं उनसे पांव छुए, उनके कहा कि साहब बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि जिससे मैंने शब्द सीखे हैं कभी ऐसा कोई शब्द ना हो जिससे कि आपकी शान में गुस्ताखी हो। और ये बात मैंने मुलायम सिंह जी से कही, ऐसे मुझे मालूम था और तुम ऐसा नहीं करोगे, और यही बात सेम बात अटल जी ने कही। तो मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे लोग, बड़े लोग बेशक अपनी बात कहने के लिए जरूर सामने खड़े होते हैं, लेकिन ये किसी का अपमान और किसी का निरादर नहीं करते। और आज एक उसी परंपरा का एक नेता आज फिर से इस देश से चला गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी तो हूँ, लेकिन आज जिनके चाहने वाले सारे देश में हैं वो सभी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि एक खलासी है, एक कमी आज आ गई है कि देश में एक नेता जी चला गया। ये पहलवान थे, ये बेशक शारीरिक रूप से थे लेकिन उतने ही मजबूत ये सोच से थे, दिमाग से थे। मुझे उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को, सबको शांति दे और सबको हिम्मत दे, बस यही चाहूंगा। आपने खुद ही बताया कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने आपको ये समझाया कि आप चुनाव लड़े अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, और आपने बताया कि आपने चरण छूकर कहा था कि मुझसे कोई अपशब्द ना निकल जाए। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद संसद में बतौर जीतने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गाड़ी रोककर आपसे कुछ कहा था, क्या था वो? जी, मैंने उनसे कहा था कि मैंने हाथ जोड़ के खड़ा था, उन्होंने बोले अब हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुमने जो किया तुम्हारा कर्म था और मैं, मेरा आशीर्वाद था। और वाकई देखो, तुमने कहीं भी अपनी जो बात कही थी कि मैं कभी भी अपने ऐसा कोई शब्द ना निकले, तुम्हारे से ऐसा कोई शब्द नहीं निकला, मैं तुम्हें अब आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया था। तो ये बड़े लोगों की बड़ी बात है, मैंने कभी इन चीजों को कहता नहीं हूँ, लेकिन आपको इस बात का शायद शिव कुमार जी ने कहा होगा जो उनके साथ रहा करते थे बड़ी बड़ी मूंछों वाले। आई नेवर सेड दिस थिंग, बट दिस वाज समथिंग, ये
चीजें जिंदगी में याद रहती हैं और शायद यही चीजें हैं जो आपको जिंदगी में ये सोच कराती हैं कि नहीं, राजनीति इतनी बुरी नहीं हो सकती जितना हम सब लोग कहते हैं कि राजनीति बुरी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, ये ऐसे मुलायम सिंह जैसे नेता, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनकी दिलों में लोगों को इंस्पायर करने की ताकत थी। और आज मुलायम सिंह उस कड़ी का एक नेता चला गया और इसीलिए राजबब्बर जी से एक युग कांत कहा जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के